If you are planning a trip to the pink city of India, Jaipur, then let me tell you, यहाँ पे बहुत सारी अमेजिंग प्लेसेस है घूमने के लिए. सो आई वुड रिकमेंड कि आप मिनिमम 3 डेज की आपकी ट्रिप प्लान करें ताकि आप मोस्ट ऑफ योर प्लेसेस कवर कर सकें. सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल. और इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ आपकी जयपुर की ट्रिप प्लान करने में. इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी प्लेसेस है जो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं जयपुर में, और उसके साथ मैं आपको 3 डेज की आइटनरी भी दूंगा ताकि आप विदाउट एनी प्रॉब्लम सारी प्लेसेस कवर कर सकें जयपुर में. सो विदाउट फर्दर ड्यू Let's begin. So the first place that you must visit in Jaipur is the Amer Fort. Amer Fort Raja Man Singh ne banaya tha in 1592. Aravali Hills pe banaya gaya ye India ka one of the most magnificent palaces mein se ek hai. Amer Fort kuch 11 km dur hai Jaipur se, to aap yahan pe aapki car ya fir agar aapne rent ki hai bike to wo leke aaram se aa sakte hain. आमेर फोर्ट की जो एंट्री टिकट है वो है 100 रुपीज़ पर पर्सन, और यहाँ पे आप एक कॉम्बो टिकट भी ले सकते हो फॉर 400 रुपीज़ जो 2 दिन तक वैलिड रहेगा. और इसमें आप आमेर फोर्ट, जंतर मंतर, नाहगढ़ फोर्ट, हवा महल और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम देख सकते हैं. आमेर फोर्ट का जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक है, और यहाँ पे आप नाइट में लाइट शो भी देख सकते हैं. इसके अलावा आप यहाँ पे एलिफेंट राइड भी कर सकते हैं जिसकी टिकट है 1000 रुपीज़ फॉर 2 पीपल. आई वुड रिकमेंड कि आप मॉर्निंग में 9 AM को पहुंच जाए ताकि आप आराम से पूरा फोर्ट एक्सप्लोर कर पाएंगे विदाउट एनी रश. और पूरा फोर्ट कवर करने में आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, और ऑल्सो ये फोर्ट की हिस्ट्री है वो बहुत ही रिच एंड अमेजिंग है. सो आई वुड रिकमेंड कि आप गाइड यहाँ पर ज़रूर रखिए. बाय द वे, हमारा आमेर फोर्ट टूर गाइड वाला वीडियो भी जल्दी आ रहा है. जैसा हमने सेम उदयपुर सिटी पैलेस में वीडियो बनाया था गाइड के साथ, ऐसा ही हमने आमेर फोर्ट में भी वीडियो बनाया. तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि जब वो वीडियो लाइव हो तब आपको सबसे पहले अपडेट मिले. नाउ नेक्स्ट प्लेस जो हमारी लिस्ट में है वो है जयगढ़ फोर्ट. जयगढ़ फोर्ट आमेर फोर्ट के जाने के रास्ते में ही पड़ता है, और आप एक ही दिन में दोनों फोर्ट्स आराम से कवर कर सकते हैं. जयगढ़ फोर्ट महाराजा जय सिंह दो ने बनवाया था इन 18th century. ये फोर्ट भी अरावली हिल्स पे ही है, और ये कुछ 500 फीट अबोव है सी लेवल से. जयगढ़ फोर्ट में जो एंट्री टिकट है वो है 100 रुपीज़. यहाँ पे आप कार पार्किंग भी कर सकते हैं फॉर 20 रुपीज़, और बाइक पार्किंग के 10 रुपीज़ है. जयगढ़ फोर्ट का इस्तेमाल उस समय राजा डिफेंस के लिए करते थे, और यहाँ पे अंडरग्राउंड टनल भी है जो जयगढ़ फोर्ट को आमेर फोर्ट से कनेक्ट करती है. जयगढ़ फोर्ट में कैनन मतलब कि तोप बनाने की फैक्ट्री भी है, और यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी तोप अभी भी है जिसका नाम है जयवाना कैनन. मेन पर्पस जयगढ़ फोर्ट का हथियार, एम्यूनेशन और आर्मर स्टोर करना था, और वॉर के टाइम पे सभी चीज़ें यहाँ से ही आमेर फोर्ट को सप्लाई होती थी. जयगढ़ फोर्ट की लंबाई है 3 किलोमीटर, और उसकी जो विथ है वो 1 किलोमीटर है. यहाँ पे भी आई वुड रिकमेंड दैट आप एक गाइड ले लीजिए, बिकॉज इसकी भी हिस्ट्री आमेर फोर्ट जितनी ही इंटरेस्टिंग है, और आपको गाइड के साथ घूमने में और भी मज़ा आएगा. नेक्स्ट प्लेस जो हमारी लिस्ट में है वो है पन्ना मीना कुंड. ये प्लेस आमेर फोर्ट या फिर जयगढ़ फोर्ट जितनी ग्रांड नहीं है, ना ही इतनी फेमस है, बट ये आमेर फोर्ट से बहुत ही नज़दीक है. सो आप डेफिनेटली आमेर फोर्ट के साथ इसे विजिट कर सकते हैं. ये एक येल्लो कलर का स्टेपल है जो कि 16th century में बनवाया गया था. स्टेपवेल विजिट करने की कोई एंट्री फीस नहीं है, और बाहर आपको लोकल गाइड मिल जाएगा जो कि आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन दे देगा. वेल, उन्होंने हमसे पैसे तो नहीं लिए थे, सो मुझे नहीं पता कि वो पैसे लेते या नहीं, बट अगर वो फ्री में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है देन आप थोड़े पैसे उसे दे सकते हैं. यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेपवेल तक पहुँचने का जो रास्ता है वो बहुत ही नैरो है, सो कार आप डेफिनेटली लेके जा सकते हैं, बट थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा अपनी कार के साथ. अब जो प्लेस हमारी लिस्ट में है वो है जयपुर का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हवा महल. हवा महल जयपुर पिंक सिटी के अंदर ही है, और ये एक एक्सटेंडेड पार्ट है जयपुर सिटी पैलेस का. हवा महल रेड और पिंक सैंडस्टोन से बनाया गया है बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह इन 1799. हवा महल बनाने का जो मेन रीज़न था कि उस टाइम पे रॉयल फैमिली की विमेन जो थी उनको अगर कोई फेस्टिवल या फिर स्ट्रीट पे हो रहे कोई प्रोग्राम देखना चाहती है तो वो हवा महल से देख सकती है विदाउट एनीवन लुकिंग एट देम. हवा महल में 953 टाइनी विंडोज़ है जिसे जरोखा भी बोला जाता है. हवा महल की एंट्री फीस है वो है 50 रुपीज़ पर पर्सन, और इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 9 AM से लेकर शाम के 5:30 PM तक है. हवा महल जो है वो कुछ अलग ही दिखता है नाइट में, सो डेफिनेटली ये मौका मिस मत करिए, और इसकी कोई टिकट भी नहीं लगेगी आपको.
Now let's talk about the city palace. कहा जाता है कि जब महाराजा सवाई सिंह दो ने जयपुर की स्थापना की तभी सिटी पैलेस का भी निर्माण शुरू कर दिया गया था इन द 17th सेंचुरी। सिटी पैलेस के अंदर देखने के लिए मुबारक महल, चंद्र महल, दीवाने आम और दीवाने खास जैसी काफ़ी सारी जगहें हैं। उसके अलावा यहाँ पे राजा रानी और बाकी रॉयल फैमिलीज़ के कपड़े, ऑर्नामेंट्स और उस समय युद्ध में काम में लिए जाने वाले हथियार का एक पूरा म्यूजियम भी है। यहाँ पैलेस के अंदर दो सेक्शंस हैं, जिसमें से एक सेक्शन पब्लिक के लिए ओपन है और दूसरे सेक्शन में अभी भी जयपुर की जो रॉयल फैमिली है वो रहती है। सिटी पैलेस की जो एंट्री फीस है वो है 200 रुपीज़ पर पर्सन और ये सुबह 9:30 AM से 5 PM और शाम को 7 PM से 10 PM तक ओपन रहता है। नेक्स्ट प्लेस जो हमारी लिस्ट में है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या आप गैस कर सकते हो? ऑफ कोर्स इट इज़ जंतर मंतर। जंतर मंतर को राजा सवाई जय सिंह दो ने 1728 में बनाया था और ये सिटी पैलेस के एग्जैक्ट सामने ही है। यहाँ पे 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है जो उस समय सन, मून और बाकी जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है उसकी पोजीशन जानने के लिए और साथ साथ टाइम जानने के लिए भी यूज़ होते थे। अगर आप जंतर मंतर विजिट कर रहे हैं तो एक गाइड डेफिनेटली रखिए, क्योंकि सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको समझने के लिए और डेमो देखने के लिए आपको गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। जंतर मंतर की जो एंट्री टिकट है वो है 50 रुपीज़ पर पर्सन और इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 9 AM से लेके शाम के 5 PM तक है। तो अब बात करते हैं जयपुर के एक और फोर्ट की, जो कि है नाहगढ़ फोर्ट। यह जयपुर में बहुत सारे फोर्ट्स हैं। नाहगढ़ फोर्ट भी राजा सवाई जय सिंह ने ही बनवाया था इन 1734। ये फोर्ट भी जयगढ़ फोर्ट की तरह ही डिफेंस के लिए बनाया गया था और यहाँ से जयगढ़ फोर्ट कनेक्ट भी होता है। नाहगढ़ फोर्ट की जो एंट्री टिकट है वो है 50 रुपीज़ पर पर्सन और जो टाइमिंग है वो सुबह 9 AM से लेकर 5 PM तक है। बट ये फोर्ट 9 PM तक ओपन रहता है और यहाँ पे रात में पूरे जयपुर का जो व्यू होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है और ज़्यादातर लोग नाइट व्यू के लिए यहाँ पे आते हैं। नाहगढ़ फोर्ट के अंदर आप जयपुर वैक्स म्यूजियम, शीश महल, स्कल्पचर पार्क, टेम्पल और माधवेंद्र भवन देख सकते हैं। लास्ट प्लेस जो हमारे लिस्ट में है वो है गायतोरे की छत्रिया। ये प्लेस का नाम सुन के आपको कभी नहीं लगेगा, बट दिस इज अ क्रीमेटोरियम ग्राउंड। महाराजा जय सिंह दो ने इस साइट को चूज किया था और 1733 से सभी कछवाहा किंग को यहीं पे क्रीमेट किया गया एक्सेप्ट महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह, जिनको जयपुर सिटी पैलेस में क्रीमेट किया गया था। ट्रस्ट मी, ये कॉम्प्लेक्स देख के आपको कभी नहीं लगेगा कि ये एक क्रीमेटोरियम ग्राउंड है। इट इज दैट ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट। एंट्री फी की बात करें तो 30 रुपीज़ पर पर्सन है और ये मॉर्निंग 9 AM से लेके शाम के 6 PM तक ओपन रहता है। इसके अलावा हमने बापू बाजार भी एक्सप्लोर किया था इन द पिंक सिटी, तो अगर आपको कोई लोकल शॉपिंग करनी है तो आप भी बापू बाजार या फिर जौहरी बाजार एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो गाइज, ये थे कुछ प्लेसेस दैट वी हैड विजिटेड इन अवर जयपुर ट्रिप। इसके अलावा आप यहाँ पे जल महल, बिरला टेम्पल, पुनो ट्रैम्पलिन, पत्रिका गेट जैसे प्लेसेस भी विजिट कर सकते हैं। और एक मैं चीज़ आपको रेकमेंड करूँगा कि आप रावत मिष्ठान भंडार पे आलू प्याज कचौरी ज़रूर ट्राई कीजिए, इट्स वेरी डिलीशियस। नाउ लेट मी टेल यू कि आप ये सारी प्लेसेस 3 डेज में कैसे कवर कर सकते हैं। ऑन द फर्स्ट डे यू गो टू सिटी पैलेस इन द मॉर्निंग, फिर आप उसके बाद उसके सामने ही जंतर मंतर जा सकते हैं दोपहर में, और जंतर मंतर के बाद आप जाइए इवनिंग में हवा महल और आपको रात का जो हवा महल का जो व्यू है वो भी साथ में देखने को मिलेगा। और तीनों जो प्लेसेस है वो 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में ही है, तो आप आराम से एक दिन में तीनों कवर कर सकते हैं। ऑन द नेक्स्ट डे हेड आउट टू आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट आप सुबह सुबह चले जाइए, क्योंकि आप आराम से पूरा आमेर फोर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद आप पन्ना मीना कुंड जाइए, वहाँ से रिटर्न में आते हुए जयगढ़ फोर्ट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तीसरे दिन आप सुबह चले जाइए गायतोरे की छत्रिया, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके आप दोपहर में पिंक सिटी के अंदर जाके शॉपिंग कर सकते हैं, एंड इन द इवनिंग विजिट नाहगढ़ फोर्ट टू सी जयपुर इन द नाइट लाइट। आप जयपुर में बाइक रेंट करके घूम सकते हो जैसे हमने किया था। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए जहाँ से आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट कर सकते हैं, और ये आपको कन्वीनियंट भी पड़ेगा जयपुर में ट्रैवल करने के लिए इफ़ यू डोंट हैव योर ओन व्हीकल। सो गाइज, ये थे कुछ प्लेसेस जो हमने विजिट किए थे जयपुर में इन 3 डेज। सारे प्लेसेस पे इंडिविजुअल व्लॉग्स एंड वीडियोस आने वाले, सो स्टे ट्यून फॉर दैट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो जब भी व्लॉग्स लाइव हो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली,
and I'll see you guys in our next video. Thank you for watching this one. Have a good day.